तरबियत एक तदरीजी और मुसलसल जहद का नाम है। इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र तक, महद से लेकर लहद तक इंसान सीखता है। एक प्रोसेस है और ये नेचर के साथ है, और ये जो सीखने और सिखाने का अमल है ये कुदरत पे डिपेंड करता है। और इंसान के सीखने और सिखाने का जो अमल है ये मुसलसल इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की बूदोबाश में, इंसान के तरबियत में ये चीज़ शामिल है, और उम्र के हिसाब से उसके अंदर डेवलपमेंट्स आती रहती है। इसी वजह से कहते हैं, और इंसान की तरबियत में सबसे पहले उसके घर, उसके माँ बाप, उसकी कौम, उसके कबाइल, उसकी नस्ल का अमल दखल सबसे ज्यादा होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट एक जर्नेल गुजरे, एक कमांडर गुजरे। नेपोलियन बोनापार्ट से के उसने कहा था कि तुम मुझे गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तुम मुझे अच्छी माएं दो से मुराद क्या है? कि वो जो माँ बच्चे की तरबियत कर रही है, बच्चे की ग्रूमिंग कर रही है, बच्चे को सिखा रही है, वो बच्चे का, वो उस अकेले उस बच्चे को नहीं सिखा रही, वो एक मुआशरा जनरेट कर रही है। एक मुआशरे की क्या क्या नेसेसरीज हैं और क्या क्या नेसेसरीज हैं उसको ग्रूम कर रही है। और वो बच्चा बाप को देख रहा है कि मेरा बाप स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं, मेरा बाप कितना मेहनती है, मेरा बाप क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है, मेरे बाप का इखलाक क्या है, मेरे बाप का अंदाज क्या है, मेरे बाप का अंदाज़े तकल्लुम क्या है। ये दोनों इनिशियल स्टेजेस हैं कि जहां से बच्चा सीख रहा है, बच्चे की ग्रोइंग हो रही है। हमारे मुआशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में जहां हम रह रहे हैं, हमारे दो रवैये, और दोनों रवैये इंतहाई खतरनाक हैं और इंतहाई अलार्मिंग है। नंबर वन, एक रवैया यह है कि बच्चों की हर जायज और नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करना, जिससे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो सोसाइटी से, मुआशरे से, अपने इर्द गिर्द से वही तवक्को रखता है कि जो उसने घर से सीखा होता है, कि मेरी तो हर बात माँ बाप पूरी कर रहे थे, मैं जो मुंह से निकालता था वो पूरा हो रहा है। अब जब वो मुआशरे से या सोसाइटी से उस चीज को क्लेम करेगा, डिमांड करेगा, मुआशरे ने तो नहीं उसकी हर बात को मिनो अन तस्लीम करना या कहना कि हाँ जी वट एवर ही सेइंग दैट इज राइट। जब मुआशरे ने उसको इनकार करना है तो उसको हासिल करने के लिए उसने सही और गलत कदम उठाना है। बच्चे ने क्या उसकी तरबियत और आदत में बन चुकी होगी कि मैं मुंह से जो चीज निकालता था मेरे माँ बाप पूरा कर देते थे, सो इट्स माई राइट जो सोसाइटी मुझे नहीं दे रही, लिहाजा मैं सही हूं और सोसाइटी गलत है। एक पहलू। और दूसरा पहलू जो उससे ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि बच्चे की हर अच्छी और जायज विशेज को भी निगलेक्ट कर देना, इनकार कर देना कि बच्चे की जायज बात को भी ना मानना, तो बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, जिस पे माँ बाप ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चा जो है ना जिद्दी हो गया, हमारा बच्चा जिद्दी हो चुका है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। तो वो बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए बचपन से ही सही और गलत की तमीज को मिटाते हुए एकदम उठाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाएगा मुआशरे के अंदर
उसकी तरबियत के मुताबिक, अपने चाइल्डहुड के मुताबिक वो मुआशरे से भी उसी चीज़ की तवक्को रखेगा कि मुआशरे ने, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी बात नहीं मानी तो मुआशरा भी मेरी बात नहीं मानेगा, लिहाजा मैं यहाँ पर भी ताकत का इस्तेमाल करूँ, डंडे का ज़ोर इस्तेमाल करूँ या इलीगल वेज जो है मैं उनको यूज़ करूँ। इस वजह से, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ये दोनों चीज़ें अलार्मिंग है। बच्चों की तरबियत में जो बुनियादी छोटे छोटे उसूल हैं वो असल में सबसे ज़्यादा नुकसान दे, बच्चों की आदत बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो सबसे पहले माँ बाप हैं, बिगाड़ने में भी और बनाने में भी। उसकी मिसाल एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर बच्चा हमारा स्कूल ना जाए, आप बच्चे को मारते हैं कि भाई स्कूल नहीं जा रहा, और वही बच्चा अगर मस्जिद या मदरसे में ना जाए तो हम अवॉइड करते हैं, चलें कोई बात नहीं अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा देख लें। जब उस बच्चे की बचपन से ही आदत नहीं बनेगी तो वो बड़े होके कैसे जाएगा मस्जिद में। बच्चा हमारा इंग्लिश बोले या और जो ऐसी लैंग्वेजेस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सोसाइटी में वो बोले तो पेरेंट्स कितना खुश हो रहे होते हैं। हमारा बच्चा अगर अरबी ना सीखे या कुरान ना सीखे, डैम के हमें कोई परवाह नहीं। हमारा बच्चे, हम अपने बच्चों को दुनिया के ताकतवर मुआशरे की, ताकतवर सोसाइटियों की, सुप्रीम लोगों की हम मिसालें देना शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बच्चे के माइंड में लोगों की ताकत, लोगों की सलाहियत, लोगों की इस्तात तो बता रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को अल्लाह की ताकत, अल्लाह की इस्तात और अल्लाह से मांगना नहीं सिखा रहे। ये सबसे बड़ा इशू है। इसके बाद दुनिया जहान की स्टोरीज, दुनिया जहान के नॉवेल्स, दुनिया जहान की कहानियाँ, दुनिया जहान की मूवीज हम अपने बच्चों को दिखा रहे होते हैं किसके लिए जी, फॉर द डेवलपमेंट, कि जी इनकी माइंड ग्रूमिंग हो रही है, माइंड डेवलपमेंट के लिए हम इनको दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनको सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के बारे में बताएं, हम अस्हाबे अहले बैत की ज़िंदगी के बारे में बताएं, हम जो पहले अंबिया और रसूल गुजरे हैं उनके बारे में बताएं और उनको बताएं कि बेटा ये आला मयार ज़िंदगी थे और ये आला और अरफा लोग थे। हम ऐसा नहीं करते। हमारा बच्चा अगर किसी एक्टर को, इंडियन एक्टर को, हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स को या इंटरनेशनल किसी सेलिब्रिटी को उसको फॉलो करे तो हम फूले नहीं समा रहे होते कि देखो हमारा बच्चा कॉपी कर रहा है, हमारा बच्चा मिमिक्री कर रहा है, हमारा बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, हमारा बच्चा वैसा लग रहा है ना। लेकिन अगर वही बच्चे, हम उसको क्यों नहीं कहते कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन को फॉलो करो, हम क्यों नहीं कहते कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी आपके सामने, हम उन्हें क्यों नहीं कहते कि मौला अली की ज़िंदगी आपके सामने, हम क्यों नहीं कहते इमाम हसन की ज़िंदगी आपके सामने। एक बात याद रखिए, अगर माए बावजू औलाद की तरबियत करने वाली होंगी, माएँ अल्लाह की खशियत और अल्लाह के खौफ से डरने वाली होंगी, अगर माएँ ईमान वाली होंगी और बावजू अपनी औलाद को दूध पिलाने वाली होंगी, बावजू उनके खाना बनाने वाली होंगी, बावजू उनके नवाले तोड़ के बिस्मिल्लाह उनके मुंह में डालकर खिलाने वाली होंगी, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने वाली होंगी, तो औलाद जो होगी ना वो मौला हुसैन की फॉलोअर होगी, मौला हसन की फॉलोअर होगी, मौला अली की फॉलोअर होगी, औलाद सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की फॉलोअर होगी, औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फॉलोअर होगी, औलाद औलिया अल्लाह की फॉलोअर होगी। अगर माँ बाप का उठना बैठना अल्लाह वाला होगा, अगर माँ बाप का सलीका, माँ बाप का उठना बैठना नेक लोगों में होगा, नेक लोगों वाला होगा, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाला होगा, इस्लाम के मुताबिक होगा, कुरान के मुताबिक होगा, सहाबा और अहले बैत वाला होगा, तो कैसे मुमकिन है कि औलाद नाफरमान होगी, कैसे मुमकिन है कि औलाद इनकार करेगी, औलाद फरमा बरदार नहीं होगी। एक बात। तीसरी और सबसे अहम चीज़, बच्चों का आपस में माँ बाप को चाहिए कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, ना बच्चों का उड़ाएं ना माँ बाप आपस में, मियाँ बीवी आपस का उड़ाएं। इसका नुकसान क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बच्चे माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं, वो माँ बाप की हर बात को लाइट लेना शुरू कर देते हैं, माँ बाप की हर चीज़ को वो मजाक में लेके जाना शुरू कर देते हैं, और इसी तरीके से
जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने माँ और बाप का एक डर और इकराम औलाद पर फ़र्ज़ किया है, औलाद उससे आ रही होना शुरू हो जाती है। औलाद उल्टा माँ बाप के साथ फ्रेंक होना शुरू हो जाती है, मजाक करना शुरू कर देती है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं वो ये आते हैं कि जी औलाद नाफरमान होगी, औलाद पलट के जवाब देती है, औलाद इनकार करती है। तो औलाद की तरबियत ऐसी हो, ये ना हो। अब एक एग्जांपल देता हूँ ना, हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं रात को कि हाँ भाई जल्दी सो जाएं, आप लोगों की नींद पूरी नहीं होगी, आप लोगों ने सुबह स्कूल भी जाना है। कहते हैं कि नहीं कहते? व्हाई नॉट कि अगर हम बच्चों को ये कहना शुरू कर दें कि भाई आप जल्दी सो जाएं, सुबह नमाज फजर के लिए भी उठना है। जुमले दोनों एक ही हैं, उठना उसने स्कूल के लिए भी है, उठना उसने नमाज फजर के लिए भी है। अब जो माँ बच्चे को ये कहेगी कि बेटा आप जल्दी सो जाओ, सुबह आपने फजर की नमाज के लिए भी उठना है, सुबह आपने कुरान पाक भी पढ़ना है। हाँ माएँ वो भी हैं जो बच्चों को ये कह रही होती हैं, हाँ ठीक है सुबह जल्दी उठकर ना रिवाइज कर लेना, जो रात का काम रह गया रह गया, वो सुबह जो पेपर होना है या असाइनमेंट है या जो असिस्मेंट है स्कूल में या कॉलेज में, वो रिवाइज कर लेना सुबह सुबह। माँ ये भी कह सकती है बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, नमाज पढ़ लेना, कुरान पाक पढ़ने के बाद रिवाइज कर लेना। ये छोटी सी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। खाना खाने लगे, माँ सबसे पहले बच्चे को ये जरूर कहेगी बेटा हैंड वॉश किए, ये नहीं कहेगी कि बेटा हाथ धो लो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। बात एक ही है, एक माँ कह रही है कि बेटा हैंड वॉश कर लो, जर्म्स होते हैं, सारा दिन लेफ्ट राइट तुम खेल रहे हो बुक्स को, नोटबुक्स को, और लेफ्ट राइट आप चीज़ों को हाथ लगाते हो, आप अपने खेलने की चीज़ों को हाथ लगाते हो, जर्म्स लग जाते हैं, सो वॉश योर हैंड्स। एक माँ अगर औलाद को ये कहेगी कि बेटा हैंड वॉश कर लो, खाना खाने से पहले हाथ धोना मेरे नबी की सुन्नत है, फर्क है। इसी तरीके से नमाज के वक्त में, नमाज के औकात में अभी से उस बच्चे की तरबियत करें, 7 साल तक माँ नमाज पढ़ी है, बच्चों को साथ खड़ा कर दे कि बच्चा देखे कि माँ मेरी कैसे पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि 7 साल की उम्र में आपका बच्चा पहुंचे, आप उसको नमाज का कहो, 10 साल हो सख्ती से कहना शुरू करो, जब 12 साल के बाद पहुंचे तो मार कर नमाज पढ़ाओ। ये तरबियत है। आप वैसे तो हम मिन हैसुल कौम, हमारा मौशी है, हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गए, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो फिर हम इस चीज़ को भी फॉलो करें कि सब्जेक्ट वाइज 10 साल की उम्र तक जापान में कोई एकेडमिक बुक नहीं पढ़ाई जाती। 10 साल की उम्र तक बच्चे को एकेडमिक बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, उस बच्चे को जस्ट एटिकेट्स पढ़ाए जाते हैं कि बेटा उठना कैसे है, बैठना कैसे है, आपने मुआशरे का अहम फर्द कैसे बनना है, एटिकेट्स पढ़ाए जाते हैं, बुक्स नहीं पढ़ाई जाती। हम बच्चों पे वो 2.5 साल के बच्चे को प्री स्कूलिंग में डाल देते हैं, वो जी अब ये केजी में पढ़ रहे हैं, फिर प्ले ग्रुप में आएगा, यानी स्कूल के जो ग्रेडिंग्स हैं। और अल्लाह ना करे अगर हमारा बच्चा किसी भी हवाले से ज़िद्दी हो गया, हमारे बिहेव की वजह से या सोसाइटी के बिहेव की वजह से, या बोलना शुरू हो गया, गलतियां तो हमारी अपनी होती हैं बच्चों की ग्रूमिंग में, तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको स्कैटिस्ट के पास लेकर चले, हम माहिर नफ्सियात के पास लेकर जा रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के बारे में क्या कहा। हमने उसको छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया, हमने रसूलुल्लाह की तालीमात को छोड़ दिया, हमने सहाबा की ज़िंदगी को छोड़ दिया, हमने अहले बैत की ज़िंदगी को छोड़ दिया, हमने असलाफ़ के नमूनों को छोड़ दिया, लेकिन हम स्कैटिस्ट के पास पहुँच गया कि स्कैटिस्ट हमारे बच्चे को उसका माइंड जो है वो ग्रूम करेगा और हमारा बच्चा ज़िद करना छोड़ देगा या हमारा बच्चा ओबीडियंट बन जाएगा। एक दफ़ा अपने बच्चे को कॉल अल्लाह और कॉल रसूल की तरबियत देकर देखो, अल्लाह और उसके हबीब की बताई हुई तालीमात की तरबियत देकर देखें, आपके बच्चे में कैसे चेंज नहीं आती।
मेरी एक सिस्टर है रावलपिंडी में, ये लेक्चर मैंने स्पेशली उनके कहने पर और उन्हीं के टॉपिक पर, के वो इस वक्त का प्रिंसिपल हैं उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की पिंडी में, तो उन्होंने ये कहा कि सर स्कूल में बहुत से पेरेंट्स की ये कंप्लेंट्स हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी हैं या बच्चे नाफरमानी में आ जाते हैं। तो मीनवाइल तो मैंने कहा आज यहाँ आज के लेक्चर में पेरेंट्स ज़्यादा हैं, तो मैंने उसी हवाले से कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए उसके हवाले से ये इनिशियल कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने रेज किए। अगर इन्हीं इनिशियल पॉइंट्स पर भी आप फॉलो कर लें, इन्हीं इनिशियल पॉइंट्स को भी अगर आप उबे कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी औलाद नाफरमान नहीं।